गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर सब्जेक्ट साइंस। साइंस में आज हमारा चैप्टर है अध्याय सात, संतुलित आहार। आज हम पढ़ेंगे संतुलित आहार के बारे में। तो बच्चों, संतुलित आहार किसे कहते हैं, यानी कि जिस भोजन में पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में या भोजन के अनुसार आवश्यक मात्रा में पाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, संतुलित आहार बोलते हैं। अब ये पोषक तत्व क्या होते हैं, पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन। यानी ये सारी चीज़ें हमारे भोजन में होंगी तो हमारा भोजन क्या कैसा होगा, संतुलित आहार होगा, यानी उसको हम संतुलित आहार बोलेंगे। तो देखिए, संतुलित आहार, अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट, ये किस किस में पाया जाता है, किस में पाया जाता है ये कार्बोहाइड्रेट हमारा, गेहूँ, मक्का, ज्वार, चावल, आलू और गुड़ में पाया जाता है। इससे क्या होता है, हमें इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। उसी तरीके से बसा, बसा हमारा किसमें, चिकना एक चीज़ों में पाया जाता है, जैसे तेल, मक्खन और सूखे मेवे, इस तरीके से हमें ये बसा प्राप्त होता है। तो बसा से क्या होता है, बसा हमारे शरीर की, बसा जो होता है वो ऊर्जा और ऊष्मा दोनों, उससे क्या होता है, हमें ऊर्जा और ऊष्मा दोनों प्राप्त होती हैं। लेकिन यदि हमने बसा का प्रयोग ज़्यादा कर लेते हैं तब क्या होता है, हमारे शरीर में मोटापा बढ़ जाता है, हमारा शरीर आलसी हो जाता है। इसलिए हमें इसको ध्यान में रख के अपने खाने में यूज करना होता है। ज़्यादा तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ज़्यादा तला भुना नहीं खाना चाहिए हमें। उसके बाद आता है प्रोटीन। अब प्रोटीन जो होता है ये किस में पाया जाता है, ये दालों और अंडा, मछली, दूध, इन चीज़ों में प्रोटीन पाया जाता है, आदि चीज़ों में पाया जाता है। इससे क्या होता है, प्रोटीन हमारे शरीर की बढ़ोतरी के लिए, यानी वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। बढ़ते बच्चों के लिए प्रोटीन को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। उसके बाद आते हैं खनिज लवण और विटामिन। तो ये खनिज लवण और विटामिन जो होते हैं, ये हमारे शरीर की जो होती है, जो रोग होते हैं उनसे लड़ने की, उनसे लड़ने में हमारी सुरक्षा करते हैं। ये हमें हरी सब्जियां जैसे गाजर, मूली और साग, इन चीज़ों में पाए जाते हैं। यानी जब ये सारी चीज़ें हमारे भोजन में होती हैं तो हमारा भोजन कैसा कहलाता है, संतुलित आहार कहलाता है। अब आजकल के बच्चे क्या करते हैं, हम रोज़ की चीज़ों में क्या खाते हैं, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, यही तो खाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे क्या खाते हैं, बाहर की चीज़ें जैसे चाउमीन, डोसा और चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें खाते हैं। तो ये चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं, ये क्या होती हैं, ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं। इनमें क्या होता है, इनमें क्या बोलते हैं उसको, कार्बोहाइड्रेट और सोडा, अल्कोहल, ये कैडमियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इससे क्या होता है, हमारे शरीर में कितने नुकसान होते हैं, मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और किडनी एवं हमारे जो सांस लेने की समस्या होती है वो बढ़ जाती है, बीपी, हाई बीपी में हमारे की प्रॉब्लम हो जाती है हमें। तो इसलिए हमें इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल बच्चे इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं और इससे क्या होता है, ये बनाने में भी आसान होते हैं, हल्के से तलो, भूनो और उनको खा लो आसानी से। चिप्स लेके आओ, चिप्स का पैकेट खोलो और तुरंत उसको खा लो। लेकिन हमें कैसा भोजन करना चाहिए, हमें संतुलित आहार करना चाहिए, जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दूध, ये सारी चीज़ें हमें खानी चाहिए। अब बच्चों देखो, गर्मी, सर्दी के मौसम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, सर्दी के मौसम में जैसे सोया, मेथी, फूलगोभी, गाजर, मूली, ये सारी, ये क्या सब्ज़ियाँ, ये हमें सर्दी के मौसम में मिलती हैं। सरसों का साग, मक्का की रोटी, ये सब हमें खाना चाहिए। गर्मी के मौसम में जैसे तरबूज है, खरबूजा है, ककड़ी, खीरा, लौकी, ये सब हमें गर्मी के मौसम में, और जैसे आजकल बरसात का मौसम है तो ककड़ी, मक्का, आम, जामुन, ये सब हमें बरसात के मौसम में मिलते हैं। तो बच्चों, हमें खाना, हमें जब खाना खाते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमारे हाथ धुले हुए होने चाहिए, जहां हम बैठ के खाना खाते हैं वो स्थान भी साफ़ सुथरा होना चाहिए, और हमें खाना उतना ही देना चाहिए जितनी हमें आवश्यकता होती है, और आवश्यकता से अधिक खाना हमें फेंकना नहीं चाहिए। और जैसे हम फल खा रहे हैं तो हमें फलों को क्या करना चाहिए, खाने से पहले उनको धोना चाहिए और काटना चाहिए। काटने के बाद जो हमारा कूड़ा होता है, छिलका होता है, वो हमें डस्टबिन में फेंकना चाहिए। तो इन सारी बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। तो बच्चों, इस चैप्टर की जो PDF है, PDF के माध्यम से मैं क्वेश्चन आंसर भेज दूंगी और ये सब आपको याद करना है और चैप्टर इसको पढ़ना है और अपने भोजन का ध्यान रखना है। थैंक यू।